गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोसिस या गिरी हुई पलक के बारे में। ये टोसिस या गिरी हुई पलक एक ऐसी समस्या है जिसमें आंखें देखने में छोटी बड़ी लगती हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो समस्या है या ये प्रॉब्लम है, ये जन्म से ही होती है, बचपन से ही होती है। जैसे कोई बच्चा किशोर अवस्था में आता है तब ये एकदम से बढ़ती है और फिर एम्बेरसमेंट का कारण बनती है। आज मैं रूबरू कराऊंगा आपको हर्षप्रीत जी से, हु इज 18 ईयर ओल्ड एंड हैज कम फ्रॉम मुनक। मुनक इज ए प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब। ये 2 हफ्ते पहले हमारे पास आए, हमने इनकी गिरी हुई पलक या टोसिस की सर्जरी करी है। ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। जी प्लीज हर्षप्रीत, आइए बताइए क्या प्रॉब्लम थी आपको। शुरू से मेरी राइट आंख की पलक के नीचे गिरती थी। ये राइट साइड वाली? हाँ जी, जी। तो क्या फील होता था आपको? हमको बहुत एम्बैरेसमेंट जैसा लगता था, कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरे हुए थे। हाँ सर। जी, तो फिर इसके लिए आपने क्या किया, कहाँ कहाँ पता किया? हमने सर चंडीगढ़ पता किया, कहाँ जी, और उसके बाद आपके पास आए अम्बाला। जी, तो 2 हफ्ते पहले आपकी सर्जरी हुई है, तो आपको कैसा फील हो रहा? हमको अच्छे फील हो रहे सर। आप आंखें पूरी दोनों बराबर खुली हुई हैं, आप देख भी सकते हैं कि दूर से देख के कोई जो एक कन्वर्सेशन डिस्टेंस है, यू कैन नॉट मेक आउट एनी डिफरेंस बिटवीन द आईज एंड मोर ओवर सो दिस सर्जरी डजंट लीव एनी स्कार। आप देख सकते हैं कि आईज के अराउंड कोई भी स्कार या दाग या निशान नहीं है। तो आप देखने वाले दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो थैंक यू करना चाहूंगा डॉक्टर सुधीर मेहता का। जी, और रिकमेंड करना चाहेंगे कि हमारे पास आए, आप हैप्पी और सेटिस्फाइड हो? हैप्पी हैं जी। तो डियर फ्रेंड, टोसिस अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसी समस्या है जो एम्बैरेसमेंट का कारण बनती है। उस समस्या के निदान के लिए वी आर एक्सक्लूसिवली यूजिंग पामर्स लॉन्गेस्ट टेंडन। नॉर्मली क्या होता है कि जो टोसिस सर्जरी के लिए एक सिलिकॉन की रॉड इस्तेमाल की जाती, पर हम वो नहीं करते क्योंकि कई बार वो उसमें इन्फेक्शन लग जाता है, कई बार ढीली पड़ जाती है वगैरह वगैरह। हम बॉडी में से एक टेंडन निकाल के, बिना किसी कट निशान के, दूरबीन से निकाल के उसको एज स्लिंग यूज करते हैं। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन दिस यंग बॉय। आई विश हिम गुड लक। एंड मेरा मैसेज यही है कि कोई भी देखने वाला जो दर्शक या व्यक्ति जो इस समस्या से जूझ रहा है, निसंकोच हमारे पास आए, हम उसकी इस समस्या से निजात दिलाएंगे एट मनोचा आई हॉस्पिटल, आरा चौक, अम्बाला सिटी। थैंक यू सो मच।